أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته स्टूडेंट मैं हूँ आपका कुरान टीचर हाफिज़ मोहम्मद असलम। लर्न कुरान ऑनलाइन चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम तख्ती नंबर 13 का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे और इसके शुरू में मैं आपको ये बता देता हूँ ये तख्ती नंबर 13 कैसे पढ़ी जाएगी। यहाँ पे ये देखें, नून और मीम मुशद्दद में हमेशा गुना होता है, यानी कि जहाँ पे नून और मीम आ जाए शद आ जाए, ये शद है, यहाँ पे नून और मीम में आ जाए तो गुना होगा। अगर रा साकिन से पहले अगर सुकून हो तो इससे पहले हरूफ को देखे, अगर ज़बर या पेश हो तो रा मोटा होगा, यानी कि रा से पहले जो लफ्ज़ होगा अगर उस पर ज़बर या पेश हो तो वो मोटा होगा। अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो फिर ये बारीक पर आ जाएगा, अगर रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो फिर ये रा मोटा पर आ जाएगा, अगर रा के नीचे ज़ेर होगी तो ये बारीक पर आ जाएगा। इसका मैं आगे जैसे ही शुरू करूँगा तख्ती, उसमें जैसे ही हरूफ आएंगे मैं फिर आपको एक बार बता दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा पेश रा बुर, ये देखें यहाँ पे ये शद आ गई और ये पीछे वाले हरूफ पे पेश है और लेकिन ये रा के नीचे ज़ेर है, ये रा बारीक पर आ जाएगा, ये वाला रा बारीक पर आ जाएगा। बा पेश रा बुर राजे री बुर री ज़ा ज़बर ज़ा बुर री ज़ा बा पेश रा बुर राजे री बुर री ज़ा ज़बर ज़ा बुर री ज़ा। हा पे स्वाद हुस स्वाज सी हुस्सी लाम ज़बल्ला हुस्सीला हा पे स्वाद हुस स्वाज सी हुस्सी लाम ज़बल्ला हुस्सीला। स्वाद ज़बरदार सद स्वाद ज़बरदार सद दा ज़बरदा सद्दा कौफ ज़बर का सद्दा का स्वाद ज़बरदार सद दा ज़बरदा सद्दा कौफ ज़बर का सद्दा का। आइन ज़बरदार अद दाल ज़बरदा अद्दा दाल ज़बरदा अद्दा दा। यहाँ पे ये देखें ये दो दाल इकट्ठे आ गए लेकिन दोनों दाल की शक्ल अलहदा अलहदा है। आइन ज़बरदार अद दाल ज़बरदा अद्दा दाल ज़बरदा अद्दा दा। मैं एक बार फिर ये बता दूँ कि ये देखे जिस पे ये शद आ जाती है ये हरूफ दो बार पढ़ा जाता है, जिस जगह पे भी आएगा ये हरूफ दो बार पढ़ा जाएगा। जैसे कि ये देखें कौफ ज़बरदाल कद दाल ज़बरदा कद्दा रवा ज़बर रवा कद्दारा, ये रा मोटा पर आ जाएगा, इसके ऊपर ज़बर है, ये वाला रा बारीक पर आ गया था क्योंकि इसके नीचे ज़ेर थी और ये रा मोटा पर आ जाएगा, इसके ऊपर ज़बर है। कौफ ज़बरदाल कद दा ज़बरदा कद्दा रवा ज़बर रवा कद्दारा काफ ज़बरदाल कद दा ज़बरदा कद्दा बा ज़बर बा कद्दाबा काफ ज़बरदाल कद दा ज़बरदा कद्दा बा ज़बर बा कद्दाबा। नून ज़बर आयन ना आयन ज़बर आ ना आ मीम ज़बर मा ना आमा। नून ज़बर आयन ना आयन ज़बर आ ना आ मीम ज़बर मा ना आमा। या ज़बर या ज़ा पे नू ज़ुन या ज़ुन नू पेश नू या ज़ुन नू, यानी कि ये देखें ये नून आ गई और इसके ऊपर शद आ गई, यहाँ पे ये गुना होगा जैसा कि वो ऊपर मैंने बताया था के मुशद्दद के बारे में। यह देखें यहाँ पे ये गुना हो जाएगा या ज़बर या ज़ा पे नू ज़ुन या ज़ुन नू पेश नू या ज़ुन नू या ज़बर या हा पेश दाल हुद या हुद दा पेश दू या हुद दू या ज़बर या हा पेश दाल हुद या हुद दा पेश दू या हुद दू। जीम ज़बर नून जन नून ज़बर ना जन्ना
तादो जेरतिन जन्नतिन जीम जबर नून जन नू जबर ना जन्न तादो जेरतिन जन्नतिन जबर्रा जर राजबर्रा जर्रा तादो जेरतिन जर्रा तिन जबर्रा जर राजबर्रा जर्रा तादो जेरतिन जर्रा तिन कापिश वा कुव वा जबर्रा कौवा तादो जेरतिन कौवा तिन कापिश वा कुव वा जबर्रा कौवा तादो जेरतिन कौवा तिन काफ जबर्रा कर रवा जबर्रा कर्रा तादो पेशतुन कर्रा तुन काफ जबर्रा कर रा जबर्रा कर्रा तादो पेशतुन कर्रा तुन सीन पेश आइन सू आइन जर ई सू आई रवा जबरता रत सू आई रत सीन पेश आइन सू आइन जर ई सू आई रवा जबरता रत सू आई रत कौफ जबर दाल कद दाद बदा कौदा मीम जबरता मत कौदा मत कौफ जबर दाल कद दाद बदा कौदा मीम जबरता मत कौदा मत। आज का हमारा तख्ती नंबर 11 का सबक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ध्यान और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।